नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। वो खुद नहीं मारे थे, वो बहुत बड़ा सपना देखते थे भारत को समृद्ध बनाने का, बहुत बड़ा बनाने का। आगे आइए, आगे आइए। हम लोग का भारतवर्ष पहले भारत हुआ करता था, जिसमें अफगानिस्तान भी आता था, जिसमें आप लोग का अगल बगल में जितना पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब भारत में हुआ करता था। और समग्र भारत का सपना देखते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ना कि खाली हम लोग का, हम लोग जो इंडिया बोलते हैं अभी, ये हम लोग का सपना नहीं था उनका। उनका समग्र भारत मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको ले करके एक समग्र भारत जो हुआ करता था। हम लोग जो भारत माता का तस्वीर में देखा करते हैं, उनका पीछे जो एक मैप लगा होता है, ये इंडिया का मैप नहीं है, ये भारत का मैप है, जिसमें ऐड है सब सब उसमें आता है, अफगानिस्तान वगैरह भी आता है जो अलग हो चुका है अभी। तो हम लोग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाव भावादर्श बोलिए, उनका विचार बोलिए, ये सब तक फैलाना हम लोग का कर्तव्य है। और इस बलिदान दिवस में उनको समर्पित है हम लोग का सबका भावभीनी श्रद्धांजलि। इतना ही बोल के हम अपना छोटा सा वक्तव्य को खुद रहा है। राकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहाँ पर डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें। और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, और नीचे दिया हुआ नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत बड़े संघीय नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक थे, उन्हें जेल में उनको धीरे धीरे पोजन दे करके, खाना में धीरे धीरे पोजन दे करके उनको मार दिया गया। मैं आपको बता दूं, जब भाजपा का नामो निशान नहीं था, उस समय जनसंघ थे, जनसंघ के कार्यवाहक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जब उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा जेल की गई, तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको बोला कि गुरुजी, हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला, कह रहे मैं तो जेल में हूँ, अगर तुम लोग भी साथ में जेल आ जाओगे तो फिर मेरा प्रचार बाहर जा करके कौन करेगा, जो मेरा एक स्वर्ण भारत बनाने का सपना वो पूरा कैसे होगा। तो फिर वहीं से, जेल से ही इन्होंने अभियान शुरू किया, और आज उनका परिणाम देखने को मिल रहा है कि हम जैसे लाखों लाख करोड़ों कार्यकर्ता उनके ही मार्ग पे चल रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, जो उन्होंने बोले थे। और आज जिस तरह आप मानिए कि जम्मू कश्मीर में अलग झंडा, अलग निशान और अलग सरकार को माना जाता है, उसी का विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सपना था कि एक देश में अलग निशान, अलग प्रधान क्यों रहेगा, जबकि भारत से ही कश्मीर को जाना जाता है। इसीलिए उनका सपना था एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक विधान। उन्हीं ने ये एकता का प्रतीक को माना जाता है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे
गुरु रह चुके हैं और हम लोग उनके ही मार्गदर्शन में चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग जिस बंगाल में रहते हैं, जिस बंगाल में राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही देन है। शायद सभी को पता नहीं होगा, आज जो पश्चिम बंगाल जो है वो श्यामा प्रसाद कांग्रेस की गंदी राजनीति के कारण पूरे बंगाल को पाकिस्तान में के साथ भेज दिया गया था, किंतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विरोध किया इनका, जिस और बंगाल को दो भागों में बंटवारा किया गया उनके कारण, पश्चिम बंगाल पूर्व बंगाल। आज उन्हीं की देन है कि हम जितने भी हैं भारत के एक अंग हैं, भारत के एक पश्चिम बंगाल में हम रहते हैं, नहीं तो हमें बांग्लादेश भेज दिया गया था कांग्रेस की गंदी राजनीति के कारण। और उनका आशीर्वाद है कि आज पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरे दस्तक दे दी है। और इन्हीं किसी के साथ मैं प्रवक्ता को समाप्त करता हूँ। जी के बारे में क्या कहें, उनका ये कहना कुछ भी कम नहीं होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है कि भाजपा दो लोगों से चलकर आज 350 तक भाजपा पहुंची है। जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ था उस समय से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 के घोर विरोधी थे, जो कि आज भारत के लिए नासूर बन गया। धारा 370 एक देश एक विधान एक परिधान के लिए लड़ते रहे, जिनके कारण उनको अपने जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु 23 जून को हुई, जिसे हम भाजपाई बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। जय हिंद। हमारे पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी कार्यकर्ता और नेता के रूप में माना जाता है। हमारे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा पहचान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जय हिंद।